फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग किरण में। कि मैंने डीमार्ट का सामान लाया था, यस, तो वो सब अरेंज हो चुका है आज। और एक बात, मतलब कि मैं आपको मेरे बेबी का जो है बॉटल दिखाना भूल गई थी, ठीक है। तो बॉटल जो है मैंने डीमार्ट से ही लेके आई थी, उसका प्राइस अराउंड, उसके ऊपर एमआरपी है 249 और मुझे मिला था समथिंग 220 को, ऐसा कुछ मिला था। तो मैं दिखा देती हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर आपको आपके बेबी के लिए लेना है तो आप जरूर ये परचेस कर सकते हैं। तो आप आपके बेबी के लिए जो है वो बॉटल ले सकते हो। बॉटल में दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं ऐसे लाइट कलर में है। और जो है डोंट वरी, जो है बी हैप्पी, ऐसे इसके ऊपर लिखा है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हो कि इसमें कितना लीटर पानी बैठता है। तो इसमें 600 ml जो है पानी बैठ जाता है। आप इसमें आप देख सकते हो ये एमआरपी है 249 का और मुझे 220 को ये मिला है। और बहुत ही अच्छा है। आप जो है ये ऊपर का जो है ट्रांसपेरेंट है और यहाँ से जो है बटन दबाने के बाद ये ओपन होता है। तो अभी ये लॉक है ऊपर का, ये जो रिंग है आप नीचे करोगे तो ये ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो इस प्रकार, ठीक है। और ये जो है इसके जो है पानी पीने के लिए, सिप करने के लिए ये जगह है। तो बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया ये। और ये खोलने के बाद जो है इस प्रकार ओपन होता है और ये बंद भी हो जाता है, लीक बिल्कुल भी नहीं होता है ये। और एक बात, ठीक है, और इसका जो मतलब हेवी क्वालिटी ऊपर से दिखता है बहुत जल्दी। अगर बच्चे को अगर बॉटल खोलना भी आता है तो वो नहीं खोल सकता क्योंकि ये बहुत ही टाइट है, एयर टाइट है बहुत ज्यादा, तो ये खोल नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स चलो फिर आज क्या बनाने वाले हो मैं वो दिखा देती हूँ। आज मैं मूंग दाल का डोसा बनाने वाली हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। कैसे मैं बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल का डोसा जो है खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये बच्चे भी खा सकते हैं, मेरी बेटी को, मेरी बेटी अभी 1.5 साल की, तो मैं खुद मेरी बच्ची को भी देती हूँ ये खाने के लिए। तो आप जरूर एक बार ये बना के देखिए। अगर बनाता है कोई भी ये मतलब पहले से ही जानता है ये रेसिपी को, या फिर कोई भी पहले से ये डोसा बनाता है मूंग दाल डोसा, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये मूंग दाल जो है मैंने, मुझे लगता है 2 आवर्स हो गए कि मैंने भिगो के रखी। तो इसको क्या करेंगे हम, मिक्सी से चला के एकदम बैटर बनाएंगे, मिक्सर में ही बैटर बनाने वाले हैं। तो ठीक है, इसमें का जो मतलब ये जो है ना, एक बार इसको धो लेंगे और पानी निकाल के अच्छे से पानी से इसको साफ कर लेंगे और फिर बैटर बनाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली मैं नहीं पीसती हूँ क्योंकि उसमें कोई स्टार्च वगैरह रहते हैं इसके लिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें सिर्फ मैं नमक, हरी मिर्ची और धनिया डालती हूँ। अगर मेरे पास गाजर वगैरह होता है तो गाजर मैं खींच के डालती हूँ, तो एकदम बारीक सा वो डालती हूँ, ठीक है। तो आप वो डाल सकते हैं, आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेन डोसा बनाने वाली हूँ और उसके ऊपर जो है मैं लोनी लगाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने अभी ना ये लिया है, ठीक है। इसमें हम जो है पीसने के लिए जो है दाल, सबसे पहले हम मिर्ची डालेंगे, ठीक है। मिर्ची आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम इसमें जो है दाल डालेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो इस प्रकार जो है दाल डालेंगे, ठीक है। सबसे पहला जब हम पीसते हैं ना, इसको मिक्सी से चलाते हैं, तभी इसमें मिर्ची डालना है और ये जो है इस प्रकार ऐसे दाल डालनी है, ठीक है। आपकी मिक्सी में जितनी दाल, ये बड़ा वाला मैंने लिया है, तो जितनी बैठती है उसके हिसाब से इसमें अभी आपको क्या करना है, पानी ऐड कर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं पानी ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको मिक्सी से चलाना है, मतलब मिक्सी से अच्छे से इसको चलाना है, ठीक है। हम देखते हैं फिर कैसे बैटर बनता है। आप देख सकते हो कि अभी मेरा बैटर जो है हो चुका है। आप देख सकते हो इस प्रकार जो है आपका बैटर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ठीक है तो आप उसको बाद में पानी डाल सकते हो। तो अभी हमारा जो है बाकी का भी पीसना बाकी है, तो ये सारा मैं पीसने वाली हूँ। और ये सबसे पहला वाला जो है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा दाल आप पीसने के बाद एक बार मिक्सी चलाने के बाद आप एक बार सेकेंड टाइम उसमें डाल के फिर आप थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। तो ये बैटर इस प्रकार हो जाएगा। अगर पतला होता है तो उसमें थोड़ा सा डाल के, ठीक है, आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी ये ट्रांसफर करती हूँ, फिर दूसरा वाला जो है बाकी का सभी मैं पीस लेती हूँ, ठीक है। अब ये बैटर थोड़ा सा थिक हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बैटर जो थिक हुआ है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा पानी डालेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने अभी ये बैटर हो गया। इसमें मैंने धनिया डाला है, हरा धनिया।
पता है हमारा जो ये पैराशूट का तेल है ना, ये पूरा थिक हो चुका है, मतलब गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि बीच में हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी, तो इसमें क्या हो गया, ये पूरा गाढ़ा हो चुका है। मैं दिखा देती हूँ, ऑयल भी नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि ये गाढ़ा है। हम तो वैसे घर पर बनाया हुआ ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे बेटे के लिए जो है हम यही ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये पूरा ना गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हो, मतलब ऑयल ही नहीं गिरा है। ऑयल बहुत है इसमें, लेकिन ये पूरा जम गया है, तो इसके लिए अभी इसको क्या करूँगी, हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो मैं क्या करूँगी, अभी इसको धूप में रखूँगी तो ये जो है क्लियर हो जाएगा, मतलब ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब ये आ जाएगा। हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप आती है, मतलब ना आप देख सकते हो बहुत धूप आती है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, तो बहुत धूप आती है, तो इस धूप में मैं क्या करूँगी, इसको रखूँगी। आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा, तो धूप बहुत ज़्यादा आती है, आप देख सकते हो धूप बहुत है यहाँ पे, तो ये क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर ये जो है रख दूँगी, तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा यहाँ पे धूप आ रही है ना, तो ये थोड़ा सा जो है नॉर्मल पे आ जाएगा, तो धूप लगने के बाद, तो इसको यहाँ पे रख दूँगी। और अब बाहर का नज़ारा हमारे यहाँ से देख सकते हो, ये जो है बाहर का हमारा एंट्रेंस है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एंट्रेंस है, यहाँ से जो है आप देख सकते हो ये एंट्रेंस है, ठीक है, गाड़ी जहाँ से जा रही है ना वो एंट्रेंस है। तो ये बाकी का जो है खेती है, तो ये जो अभी फ़िलहाल खेती है सब पूरा, बहुत ही अच्छा व्यू आता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं ना, तो मॉर्निंग में वगैरह देखने के लिए बहुत यहाँ से अच्छा दिखता है व्यू। आप देख सकते हो बाहर उस साइड आपको जो है गाड़ियाँ वगैरह भी दिखेगी, वो साइड आपको देख सकते हो आप, गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार है, ये जो है सामने पार्किंग वगैरह है गेस्ट के लिए, यहाँ पे पार्किंग है वगैरह, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार ये जो है मतलब ए बिल्डिंग है, और हमारा जो है बी बिल्डिंग, ये सामने दिखाई दे रहा है वो ए बिल्डिंग है, ठीक। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे जो है रो हाउस बन रहे हैं, बहुत ही सुंदर ऐसे 2 BHK रो हाउस यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसका प्राइस अराउंड कुछ 75 कुछ है, ठीक है। तो ये सारा नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है, और बहुत धूप है, और वह मेरी बेटी क्या कर रही है मुझे देखना पड़ेगा, दिखा देती मेरी बेटी क्या कर रही है। ये देखो सब सामान निकाल के उसका सब चल रहा है खेलने का, बहुत परेशान करती, क्या क्या सामान निकाल दिया उसने बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा खाना वगैरह सब हो चुका है, और मेरी बेटी भी जो है वो सो चुकी है, मतलब सो गई है वो अभी, तो उसको बेडरूम में जो है मैंने सुला दिया है, और मेरे काम जो है बर्तन वगैरह वो तो सारे हो चुके हैं, तो सब काम हो चुका है, अभी मैं एडिटिंग का काम करने वाली हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते, और आपको जो ये व्लॉग कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि मेरे नए नए वीडियो जो है आप रोज़ देख सको, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो चलो फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बाय बाय।